नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स। दोस्तों, आज हम आए हैं नासिक के पास में, एक छोटा गांव आता है और इन दादा के पास में है दो बढ़िया अच्छे घोड़े, जिसमें एक है सिंधी मिक्स और एक है काठियावाड़ी। और आगे आपको सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन में दोनों घोड़े के बारे में हम बताएंगे। और ये जो सामने घोड़ा है, ये काफ़ी अच्छा डांस करने वाला और ये एरिया का काफ़ी प्रसिद्ध घोड़ा है। तो दादा से हम जानेंगे इस घोड़े के बारे में। दादा, सबसे पहले आपका हमारे इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आपका नाम और अपना ये जो लोकेशन आता है गांव, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए पहले। मेरा नाम है संजय वाला साहिब भोड़जी। हाँ हाँ, अम्बेवनी। अच्छा, वरखेड़ा, पोस्ट वरखेड़ा है। हाँ, तालुका दिंडोरी, नासिक जिले में आता है। अच्छा, वनी यानी अपने सब वनी, हमारे यहाँ से वनी 12 किलोमीटर। ठीक है, यानी अपने महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा पता चल जाएगा वनी क्या है। वनी, हाँ, वनी हमारे महाराष्ट्र का जो आराध्य कुल देव बोल सकते हैं, माता का मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये उनके यहाँ पे नजदीकी रहते हैं। तो दादा, अपने पास में जैसा अभी स्टार्ट बोलेंगे कि अपन कितने दिनों से अपने पास में घोड़े का पालन हो रहा है। मैं बचपन से घोड़े से, मेरे पिताजी, अच्छा, दादाजी, सबके पास घोड़े थे। वैसा आपका क्या बिजनेस है? आपका तो खेती है ना? खेती है। और घोड़े का मतलब आप अभी जैसा आपका शौक के हिसाब से पालते हो या शादी ब्याह के हिसाब से? शौक भी है मेरा, पहले से शौक है। शादी ब्याह में अगर मेरे को अच्छे दाम मिला तो मैं जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने घोड़े कहाँ कहाँ तक जाते हैं? मेरे घोड़े नासिक, हाँ, कल्याण, ठाणा, अच्छा, बम्बई, इधर वेरुल के पास गया था मैं। अच्छा, अच्छा। औरंगाबाद के पास शिरडी के पास, शिरडी भी करता है। हाँ हाँ हाँ, सब जगह घूमता है मैं। अच्छा, बढ़िया। तो ऐसा क्या मतलब क्या क्या फी वगैरह आप रखते हो? इसके डिस्टेंस के हिसाब से रखते हो? डिस्टेंस के हिसाब से रखते हैं। मेरे यहाँ लोकल 10-11 हज़ार रुपए। अच्छा, नासिक गया था 20-21 हज़ार। अच्छा, शिरडी में पीछे 2 साल पहले गया था। हाँ, 25 हज़ार रुपए लिए थे मैंने। अच्छा, आपने बग्गी सिर्फ या घोड़ा ही चलता है? घोड़े ही चलते, बग्गी बिगी नहीं रखते। अच्छा, नाच काम वाले घोड़े मेरे। अच्छा, तो नाच काम के वजह से आपको ज्यादा डिमांड आता है ना? चलो, अभी हम मेन सब्जेक्ट पर आएंगे कि ये घोड़े के बारे में बताइए, इसका नाम क्या है, क्या उम्र है? इसका नाम तूफान है। मैंने ये घोड़ा है ना सारंगखेड़े से लिया था। हाँ, 3-4 साल पहले। अच्छा, बच्चा लिया था। अच्छा, 13 महीने का बच्चा था ये। ओके, जब भी मैंने 1 लाख रुपए का लिया था। अच्छा, तो जब 1 साल मैंने घर पे उसका संभाला, फिर नाच काम घर पे डाला। अच्छा, मेरा एक दोस्त है। हाँ, दोस्त और मैं, यानी ट्रेनिंग जो बोल सकते हो अपने घर पे ही घर पे दिया। तो वो ट्रेनर लगाए थे आप खुद किए? नहीं नहीं, खुद ही लगाया था मैंने। अच्छा अच्छा, ट्रेनर था एक, मेरा दोस्त था पहले। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये घोड़े को नहीं था, पुराने जो अभी दूसरा घोड़ा है ना। हाँ हाँ, उसको मैंने लगाया था ट्रेनर। अच्छा, तो ये घोड़ा सारंगखेड़े से लिया था। अच्छा, ये पंजाब सिंधी मिक्स है। अच्छा, इसमें जो आता है ये बहुरे आता है माथे पे। हाँ, हाँ, ये बहुत आग के ऊपर। अच्छा, होना चाहिए, बहुत ही ऊपर है ना, ऊपर होना चाहिए। हाँ, इधर दो बहुरी आती है। हाँ, हाँ, इधर देवमन बोलते। हाँ, देवमन भी अच्छा है, देवमन भी अच्छा है, लेकिन बड़ी है। हाँ, 4-1 इंच का है। हाँ, और इसमें बहुत सारे ये रहती है, 72 ज्यादा यानी के खोड़ भी रहती है और गुण भी रहती है ना। बराबर, सही है। तो दादा, जैसा भी मैं ऐसा पूछता हूँ कि जैसा आपने जब घोड़ा लिया था तब अभी क्या है, जैसा अभी शादी ब्याह का आप बोल रहे कि आप शादी ब्याह करते हैं, मोस्टली शादी ब्याह के घोड़े देखे जाते तो लोग संजाब लेते या नुकरा लेते। आपने ये थोड़ा इसको इस कलर को बोल सकते हैं, हम संजय भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुंह पे जैसा चंबा जैसा आता है ना, थोड़ा है। तो जैसा आपने इसको कैसे चॉइस किया, फिर क्या देख कर लिया था? इसको मैंने ना चॉइस ऐसा किया, ये जब मेले में खड़ा था। हाँ हाँ, इसकी खूबसूरती। हाँ हाँ, और जो खड़ा रहने का रुबाब बिबाब जो बोलते हैं के एटीट्यूड बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, अच्छा लगा, सब नस्ल अच्छी है। हाँ हाँ, यानी कि कोई कोड नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बराबर अच्छे। हाँ हाँ हाँ, भाग्यशाली वही सब। बराबर बराबर। तो इसकी हाइट वगैरह कितनी है अभी? हाइट अभी इसकी 63 इंच है। और उम्र कितनी आएंगी? उम्र अभी 4 साल का होगा, यानी अभी हाइट कम बढ़ने के चांस कम। हाँ, कम नहीं नहीं, बढ़ेगी अभी, अभी और, एक इंच और कितनी 60 कितना बोलिए आप? 60 है ना? नहीं नहीं नहीं, 62 है। ठीक है, 1 इंच बढ़ सकते हैं अभी, 63 हो जाएगा। और ये इसके क्या अभी तो आप जैसा अभी तो अंडू है तो कुछ आप ब्रीडिंग वगैरह भी करते हैं? नहीं, ब्रीडिंग नहीं करते, नहीं ना, सिर्फ घर सर। बराबर, वैसा अंडू घोड़ा यानी स्टेलियन, अभी स्टेलियन ही समझ लो इसको, अपन स्टेलियन ही बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टेलियन को संभालना काफी दिक्कत का काम होता है, तो आपको कुछ दिक्कत वगैरह आती है? कुछ नहीं दिक्कत आई। वैसे सिंधी नस्ल के घोड़े काफी शांत स्वभाव के रहते हैं, सभी को मालूम है, एक साथ दोनों रहते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेले में अगर गया मैं तो भी कुछ
यानी कि ज्यादा संभलने का या ज्यादा हाँ, और वैसे आपका बग्गी का काम नहीं तो बग्गी को तीन तीन चार चार आदमी लगते हैं वैसे? नहीं, वैसे मेरे को अभी नाच काम के लिए तीन चार आदमी लगते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये सब उठाना पड़ता है, खाट उठानी है। हाँ, तो कितने प्रकार का डांस तूफान कर लेता है? तूफान का डांस ये खाट पे नाचता है, चौरंग पे नाचता है, चार पहिए को, और कुर्सी पे बैठता है, मुंह में ये लेता है अपना नारियल वगैरह, हंडा, अच्छा कलसी बोल सकते हैं, कलसी लेते हैं, चैलेंज करता है, अच्छा मुंडी हिलाता है, कान भी हाँ ना बोलता है, कान अच्छा, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, सलामी देता है। ओके, तो दादा जैसा भी और एक सवाल मैं पूछता हूँ, जैसा भी शादी ब्याह के जब घोड़े कोई नया बिजनेस चालू करेगा, समझ लो कोई नया, अभी बहुत इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों ने घोड़ा पालना शुरू किया है, एनिमल्स के साथ में लोग जुड़ रहे, लेकिन उनको अनुभव कम रहता है, तो जैसे आपके इतने सालों से जो आपका जो अनुभव है वो कैसा है, और नए लोगों ने उसके कैसे जुड़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या हुआ, ये जब मैं मेरे पहले से बचपन से मेरे पास घोड़ा है, हाँ, ये मेरा भतीजा है, हाँ हाँ, इस उम्र से वही अच्छा शादी विवाह में जाता था, हाँ हाँ, पिताजी के साथ बराबर, जब से मैं क्या पहले मिलता था खाली नारियल, हाँ हाँ, नारियल और टोपी लगाई माथे पे तो अच्छा लगता था, हाँ हाँ हाँ, जब मैं छोटा था ना, हाँ हाँ हाँ, जब से मैं करता था, बराबर बराबर। तो नए लोग अभी मतलब क्या और क्या 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 दिक्कतें आती है, जैसे शादी ब्याह के घोड़े पालने में कुछ दिक्कतें आती है क्या? जैसा दिक्कतें आती है ना, क्या क्या दिक्कतें, शादी ब्याह में है ना, हाँ, कभी कभी इतनी भीड़ रहती है, हाँ हाँ हाँ, कभी किसी को धोखा नहीं होना चाहिए, हाँ, या हाँ, लात मारना या काटना या कुछ, बराबर रहती है, बैंड रहता है, बराबर बराबर। अब तक किसी को मैंने ये मेरे दोनों घोड़े ने, हाँ हाँ, शिव को कुछ यानी नहीं किया। आप मतलब ये बोल सकते कि घोड़े को जैसे अपन सिखाएंगे वो वैसा ही बर्ताव पब्लिक के साथ में या जब भी शादी ब्याह में जाएंगे तो करते, हाँ, और तो अच्छा हुशियार रहता है। हाँ, तो अभी तक कितनी शादियों में अपना तूफान जा मतलब जा चुका है? दो साल से जा रहा है, दो साल से जा रहा है सर, बराबर बराबर, ये दो साल से शादी में जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी हम इसका डांस देखेंगे, हाँ, और आप कौन से आइटम है ये जरूर बताना, ठीक है, ओके चलो ठीक है।